इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। वट सावित्री का व्रत महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार लोकल 18 को बताया गया है कि इस दिन स्वागन महिलाएं वट व्रत की पूजा करती हैं और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। जो महिलाएँ इस दिन इस व्रत को विधि व तरीके से रखती हैं और पूजन करती हैं, उन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक वट सावित्री का व्रत माना जाता है। स्वागन महिलाएं वट व्रत की पूजा कर दी आयु के लिए प्रार्थना करती है। यह भी माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें वट वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वट सावित्री का यह जो व्रत है यह महाव्रत है और महत्वपूर्ण व्रत है। जिस प्रकार करवा चौथ का सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए महत्व है, उससे अधिक महत्व इस वट सावित्री व्रत का है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महिलाएं यदि वट वृक्ष का पूजन करती हैं और उसके 108 परिक्रमा लगाती हैं तो अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और उनके पति की दीर्घायु होती है। इसी कामना से इस व्रत को किया जाता है। इसका पुराणों में वर्णन आया है, जब यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को हरण करके ले जाने लगे तो अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती गई। यमराज ने उनको कई बार मना किया, कई बार रोका, लेकिन वे रुकी नहीं और सावित्री की इस प्रकार की सत्य निष्ठता और पति परायणता को देख करके प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने अपने पति के प्राणों को पुनः मांगा तो यमराज ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को नहीं लौटा सकता हूँ। इसके बदले में उनके जो अंधे सास ससुर थे उनकी आंखें ठीक कर दी, उनका जो राजपाट था वह राजपाट भी वापस कर दिया, किंतु प्राण नहीं लौटाए। फिर भी सावित्री जो है वह अपने पति के प्राणों के साथ साथ यमराज के साथ साथ चलती रही। फिर यमराज ने देखा कि ये वापस नहीं जा रही है तो पुनः कहा कि तुम और कुछ वरदान मांग लो, वह वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा। तब सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों का वरदान चाहती हूँ। तो बिना विचारे ही यमराज ने जो है तथास्तु कह दिया। इसके बाद सावित्री ने कहा कि मैं पति परायणा स्त्री हूँ, सती स्त्री हूँ, जब मेरे पति ही जीवित नहीं है तो मैं 100 पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकूंगी। इस प्रकार की बातें सुनकर के प्रसन्न होकर के यमराज ने उसके पति के प्राणों को वापस कर दिया। सावित्री उस स्थान पर वापस लौट आई जहाँ उसके पति का शव था, वह वट वृक्ष के नीचे उसके प्राणों का हरण किया था और उस वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने उसके प्राणों को वापस किया। इसलिए इस वट सावित्री के व्रत में वट के वृक्ष के पूजन करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथ वट का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवता का वास भी होता है, इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। सुहागन स्त्रियों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके पवित्र होकर के सौभाग्य सामग्रियों को 16 श्रृंगार को धारण करके वट वृक्ष के समीप जाकर के वट वृक्ष के नीचे जाकर के एक कलश को स्थापित करें, साथ ही वहां शुद्ध घी का दीपक लगाएं, गणेश जी का पूजन करें, इन तीनों देवताओं का पूजन करें, वट वृक्ष का पूजन करें और सावित्री का भी मानसिक रूप से स्मरण करके उनका भी पूजन करें और उस वट वृक्ष के 21 या 108 परिक्रमा कच्चा सूत लपेटते हुए लगाना चाहिए। इसके बाद सावित्री की उस कथा का वट सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए, आरती करना चाहिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना का आशीर्वाद मांगना चाहिए, अखंड सौभाग्य की कामना का आशीर्वाद मांगना चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि पूजन के पश्चात हाथ जोड़कर के इन मंत्रों का पाठ करें और अखंड सौभाग्य की स्त्रियों को कामना करना चाहिए। अवेदव्यम च सौभाग्यम देही तुम मम सुव्रते पुत्रान पौत्राश्च सौख्यम ग्रहाण अर्घ नमोस्तुते यथा शाखा प्रशाखा अभिवर्धोऽसि तुम मही तले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मा सदा। इन मंत्रों के साथ वट वृक्ष के नीचे परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, अखंड सौभाग्य की कामना का आशीर्वाद मांगना चाहिए। फिर घर जाकर के जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी के को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए।